क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है धवल और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्मार्ट वॉचेस हर रेंज की। 1500 और 2000 रुपए से लेके 10-15-20 हजार रुपए तक की रेंजेस की स्मार्ट वॉच मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। एब्सोल्यूट बिगेस्ट महा जिसको कहते हैं ना सेल टाइप का, उस टाइप का कंपेरिजन करने। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं हमारे पास आज 4 स्मार्ट वॉचेस हैं। पहली है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 4, दूसरी है वन प्लस की नॉर्ड वॉच, तीसरी है अमेजफिट GTS 2 मिनी उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली, और चौथी है रियलमी वॉच 2 प्रो। थोड़ी पुरानी है बट स्टिल बजट सेगमेंट में सबसे सस्ती हमारे पास आज वॉच यही है। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे कि भाई इतनी सस्ती और इतनी महंगी वॉचेस में और बीच वाली वॉचेस में भी कितना फर्क होता है, क्या क्या चीज में डिफरेंस होता है और किस वॉच में पैसा लगाना सबसे ज्यादा वर्थफुल है। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सो गाइस, सबसे पहले बात करी जाए अगर इनके बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रैप क्वालिटी की, तो गाइस हर सेगमेंट में आपको अलग तरीके की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। अगर आप रियलमी वॉच 2 प्रो की बात करो तो पूरा बिल्ड आपको प्लास्टिक का ही मिलता है, स्ट्रैप क्वालिटी भी ठीक ठाक ही मिलती है। फिर आ जाता है उसके ऊपर तो वन प्लस नॉट सी जो वॉच है इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है क्योंकि हाफ ऑफ द बॉडी एल्यूमिनियम की हो जाती है और पीछे से भले ही प्लास्टिक है, स्ट्रैप क्वालिटी इज बेटर। बात करें अगर अमेजफिट GTS 2 मिनी की, तो भाई ये घड़ी की स्ट्रैप क्वालिटी मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगती है। थोड़ी पतली है लेकिन काफी कंफर्टेबल है और सेम कंडीशन इसमें भी है बिल्ड की। हाफ बॉडी मेटल की है, फ्रेम ऊपर का और नीचे प्लास्टिक है, और इन सभी की वॉचेस में जो ग्लासेस हैं उन ग्लासेस की क्वालिटीज भी अलग अलग होती हैं जिसकी वजह से आपकी ग्लास प्रोटेक्शन के लेवल्स बढ़ जाते हैं जैसे जैसे आप प्राइस ज्यादा पे करते हैं। वहीं आप बात करें अगर गैलेक्सी वॉच 4 की, तो गैलेक्सी वॉच 4 में आपको पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ड मिलता है, स्ट्रैप क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। एक मिनट हाथ में पकड़ के पता लगता है कि हाँ ये कोई महंगी प्रीमियम वॉच है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी बिल्ड के मामले में काफी अच्छी है। कल परसों मेरा इसका बैडमिंटन का रैकेट इसके स्क्रीन पर लग गया था और एक स्क्रैच भी नहीं आया। वेयर एज अमेजफिट GTS 2 मिनी की आप डिस्प्ले की क्वालिटी देख सकते हो कि कितना डियर हो चुका है। तो बात करते हैं डिस्प्ले की गाइस। तो डिस्प्ले अगर बात करें जाए तो Realme Watch 2 Pro की जो डिस्प्ले है सबसे सस्ता वाला, उसमें LCD पैनल मिलता है, तो वो मतलब वही बजट सेगमेंट का पैनल मिलता है। हालांकि पुरानी है लेकिन इस सेगमेंट में यूजुअली आपको LCD ही पैनल मिलता है आजकल। वेयर एज Amazfit और Nord Watch जो है दोनों सेम सेगमेंट के प्राइस पॉइंट पे आती है और दोनों में आपको AMOLED देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही मिलता है Amazfit में, लेकिन Nord में नहीं मिलता है, बट वो ठीक है, वो फीचर टू फीचर वॉच टू वॉच डिपेंड करता है। सैमसंग की वॉच का डिस्प्ले सबसे ज्यादा बेटर है क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइट है, ऑटो ब्राइटनेस भी इसमें है और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू दीज वॉचेस। तो गाइस अगर UI की बात करी जाए तो भाई Realme Watch 2 Pro का जो UI है वो काफी बेसिक और सिंपल सा UI है, उसमें इतना कोई खास फीचर्स है नहीं। हालांकि थोड़ी सी आउटडेटेड है इस वजह से भी नहीं है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट फीचर्स, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। उसमें एनिमेशन आपको देखने को कम मिलेंगे, थोड़ी सी वॉच आपको लैग ही देखने को मिलेगी, एकदम मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि काम चला हुआ वॉच है, तो मतलब वो उस सेगमेंट के हिसाब से एक अच्छी वॉच है। बात करते हैं Amazfit GTS 2 Mini की, तो भाई इसका भी जो UI है UI काफी अच्छा है, नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉच का स्क्रीन का रिफ्रेश रेट बहुत कम है जिसकी वजह से वो काफी स्लो और लैगी फील होती है, कई कई बार तो ये काम भी नहीं करती ठीक से। तो यहाँ पे एक सस्ती वॉच और महंगी वॉच का डिफरेंस आता है। रही बात Nord Watch की, तो Nord Watch में 60Hz का डिस्प्ले मिलता है, तो प्राइस के हिसाब से काफी जस्टिफाइड डिस्प्ले है, UI भी अच्छा है। कहीं कहीं पे लगता है कि UI जो है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, थोड़ा सा थॉटफुल नहीं है, बट कहीं कहीं पे UI काफी अच्छा है, जैसे कि वॉच फेसेस Nord Watch में इतने नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू Amazfit, बट Amazfit में आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं मिलेगा डिस्प्ले का जितना Nord Watch है। तो यहाँ पे थोड़ा वॉच टू वॉच डिसीजन लेना पड़ता है कि किस वॉच पे आपको जाना चाहिए व्हेन प्राइस इज सिमिलर अराउंड 5000 रुपीस। अब बात करते हैं सैमसंग की वॉच 4 का, तो वॉच 4 में आपको वेयर ओएस मिलता है पूरा का पूरा, इसमें तो फीचर्स की यूजेबिलिटी की कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। वॉच बहुत फास्ट है, बहुत प्रीमियम है और एक महंगी घड़ी फील होती है ये जब इसको आप यूज करते हो। भौंकना नहीं बंद करते भाई साहब। तो गाइस अगर आप इनके सेंसर्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली जितनी सस्ती वॉच होगी उतना ही सेंसर्स में कॉस्ट कटिंग होगी, बट जब हमने इन सारी वॉचेस पे बेसिक चीजों को टेस्ट किया तो देखा कि मतलब इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रैकिंग में। चारों के चारों वॉचेस इनफैक्ट वो बढ़िया है और बहुत अच्छे से काम करती है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो भाई सिंपल सा मतलब लॉजिक ये है कि जिसका जो बजट है उसके हिसाब से आज की डेट में सेंसर्स वॉचेस में काफी अच्छे मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम स्पेसिफिकली किसी वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट के मामले में मैंने वॉक करके देखा, मैंने 156 या 157 स्टेप्स चले थे और आप देख ही सकते हो हर वॉच ने कितने कितने स्टेप्स काउंट किए हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत फीचर्स का फर्क आ जाता है, जैसे कि वॉच 4 जो है और Amazfit जो है वो ऑटो पॉज हो जाती है डिटेक्ट करके कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं, और वो वॉच 4 में बहुत अच्छी तरह काम करता है, Amazfit में इतनी अच्छी तरह काम नहीं करता है। फिर एज Nord Watch और रियलमी वॉच में आपको जो है वो पॉज करना पड़ता है मैनुअली, हालांकि पॉज होने के बाद रियलमी वॉच में डेटा भी नहीं दिखता, यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
है प्राइस का कि हाँ आपको क्या क्या मिल रहा है, कैसा यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। गाइस अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जितनी सस्ती वॉच होती है उतना यूजुअली वो ज्यादा बैटरी बैकअप देती है क्योंकि फीचर्स कम होते हैं। जैसे कि रियलमी वॉच 2 प्रो ज्यादा चलती है, अमेज़फिट जो है 4 दिन में 5 दिन में खत्म हो जाती है, वन प्लस नॉर्ड वॉच सरप्राइजिंगली 8 से 10 दिन चल जाती है। लेकिन अगर आप वॉच 4 की बात करो या एप्पल की किसी भी वॉच की बात करो तो उसमें मैक्सिमम आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, उससे ज्यादा तो शायद ही किसी को एक बैटरी बैकअप मिलता है। अब वो रीजन यही है क्योंकि इतनी छोटी जगह में आप बहुत बड़ी बैटरी नहीं फिट कर सकते हो और इसमें फीचर्स इतने सारे होते हैं जिसको बहुत ज्यादा बैटरी चाहिए होती है। सो भाई यहाँ बैटरी के मामले में महंगी घड़ी हमेशा अक्सर हार ही जाती है। बात करें अगर इनके चार्जर्स की तो भाई सब में मैग्नेटिक चार्जर आता है पोको पिन वाला, लेकिन वॉच 4 में क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की वॉच है इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होता है, वायरलेस चार्जर ही आता है। इनफैक्ट ये किसी भी वायरलेस चार्जर से चार्ज हो सकती है, तो आप एक ही चार्जर के ऊपर टिके नहीं रहते। ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है एक महंगी घड़ी में जिसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट होता है कि आपको वो तार लेके ही जाना है, आपको कहीं भी कोई सा भी वायरलेस चार्जर मिल जाए आप उससे इसे चार्ज कर सकते हो। अब आ जाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स के ऊपर कि हर वॉच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलता ही है। रियलमी में देखा जाए तो आपको क्योंकि वॉच पुरानी है तो उसमें स्ट्रेस वगैरह भी नहीं मिलता है, लेकिन आजकल की जो रियलमी वॉचेस आ रही है उसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं। वेयरएज अमेज़फिट की जो बात करी जाए, अमेज़फिट की वॉच में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, वेदर वगैरह मिल जाता है और कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट स्टिल कुछ फीचर्स के मामले में ये भी लैक करती है। वन प्लस नॉट वॉच में मेरे को कुछ फीचर्स काफी अच्छे लगते हैं, जैसे कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, वन टैप मेजरमेंट तो मेरे को किसी वॉच में और देखा ही नहीं है इतनी अच्छी तरीके से काम करने वाला। तो ये सब फीचर्स जो है जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाते हैं फीचर्स आपके और बढ़ते जाते हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में महंगी घड़ी हमेशा जीतेगी जो वेयर ओएस पे है क्योंकि इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट होता है। तो आप कोई भी ऐप जो कि आपके वेयर ओएस पे सपोर्ट करती है आप उसे डाउनलोड करके इसमें चला सकते हो और वो बहुत अच्छी तरह चलती है। इनफैक्ट आप इसमें गूगल मैप्स, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब खुद यानी इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चला सकते हो, तो ये बहुत ही कन्वीनियंस लाती है आपकी लाइफ में। सो गाइस वर्डिक्ट क्या है, कितने पैसे लगाना एक स्मार्ट वॉच में जेन्युइन होता है? मेरे हिसाब से यार मैं फैक्ट बताऊं तो बजट सेगमेंट की जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो बेसिकली मेरे को ये फील आता है कि ये स्मार्ट बैंड्स ही हैं जिनको स्मार्ट वॉचेस के तरीके से बेचा जा रहा है क्योंकि इनमें फीचर्स की काफी कमी है। वो मैं समझता हूं ब्रांड्स की भी कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है प्राइस पॉइंट पे लाने के लिए प्रोडक्ट को, लेकिन जिस हिसाब की आपकी प्राइसिंग है उस हिसाब से आजकल ऐसी वॉचेस में रियलमी वॉच 2 प्रो जैसी वॉचेस में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह भी आ जाती है 4,000 रुपए में विच इज अमेजिंग। फिर आता है मिड सेगमेंट जो कि 5-6 हजार तक का जाता है और 5-6 हजार में ये घड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो अगर वन प्लस नॉट वॉच की बात मैं ना करूं तो काफी ब्रांड्स जो हैं इस प्राइस पॉइंट पे कॉलिंग का ऑप्शन भी दे रहे हैं जो कि प्रीमियम फीचर है, अच्छी खासी घड़ियों में महंगी घड़ियों में आता है और वो ऑप्शन आपको इस रेंज में आजकल मिलने लगे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। हालांकि ये टोटली मैं इन्हें भी स्मार्ट वॉच नहीं कह सकता क्योंकि ये पूरा फोन को कभी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है, कहीं कहीं पे इनमें जस्ट लैक करते हैं और आपको अपना फोन आपके साथ कैरी करना पड़ता है इनके फुल यूजेबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। वेरेज अगर ये जो महंगी घड़ी है वेयर ओएस वाली, ये ब्लूटूथ कॉलिंग, मैप्स वगैरह सब कुछ सपोर्ट करती है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं और रीजन बेस्ड जैसे कि सैमसंग पे और मतलब ये खैर इसी वॉच का है, बट इतनी महंगी वॉचेस में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर इस फीचर्स की बात करी जाए अगर तो फीचर्स में ना इस प्राइस पॉइंट पे जो ये फीचर्स मिलते हैं उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट वो फीचर्स जो है ना मेरे हिसाब से इनमें पर्सनल ओपिनियन 15,000 से ऊपर का प्राइस पॉइंट जस्टिफाई नहीं करते। अब जैसे ये वॉच बिग बिलियन डे में 9,000 रुपए की मिल रही थी तो ये बहुत बढ़िया स्टील डील थी, मतलब इससे अच्छी डील हो नहीं सकती, बट अगर आपको ऐसी वॉच अंडर 10,000 नहीं मिलती है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 5-6,000 रुपीज तक की वॉच तक जाओ, वो मेजरली आपका सारा काम कर देती है और आपकी ट्रैकिंग वगैरह एक्यूरेसी सब इनमें बहुत बढ़िया होती है, डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, वॉच की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, ओवरऑल आपको ये हर मामले में काफी हद तक सेटिस्फाई कर देती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप मैंने आपकी सारी जो कंफ्यूजन था कि कितने रेंज तक की एक स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए उसको सॉल्व किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अगर वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हम मिलेंगे तब तक दोबारा। See you.